एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आज है सेकंड वीक टीच विद मी सीरीज़ का। प्रीवियसली भी हमने किया है, आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है बिकॉज मायरा इज़ नाउ 3 ईयर्स ओल्ड और हमने ऑब्वियसली स्कूल्स आर क्लोज, तो अभी किसी जगह मैंने उसे इनरोल नहीं कराया है। एज़ नियर बाई प्ले स्कूल्स भी क्लोज हैं, जो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे हो या विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में हो। दैट इज़ व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, ताकि लाइकवाइज मेरे तरीके के जितने भी पेरेंट्स हो वो मेरे साथ ये जर्नी कंप्लीट कर सकें और जैसी एक्टिविटीज़ या पढ़ाई मैं मायरा को करा रही हूँ वो करा सकें। तो पहला हमारा टारगेट होता है बच्चों को लेटर सिखाना। इससे पहले भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप सिखा चुके होंगे, जैसे शेप्स, कलर आइडेंटिफिकेशन और अल्फ़ाबेट को आपने ओरली करा दिया होगा। एंड अब बारी आती है, बिकॉज़ बच्चा 3 साल का हो चुका है तो हमें फोकस करना है उसके राइटिंग स्किल्स पे। तो सबसे पहले हमने आई किया था पिछले हफ्ते, बिकॉज़ ये एक स्टैंडिंग लाइन इन्वॉल्व होती है इसमें। इस हफ्ते हम करेंगे एल एंड एफ, तो एक साथ ही सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ट्राई करें कि मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको वीडियो में शो करूँगी या जितने भी टास्क बच्चा कर रहा होगा, वर्कशीट कर रहा होगा, उसको आप डिवाइड कर लीजिए ओवर द वीक के लिए, या 2 दिन आप एल कराइए और 2 दिन एफ लेटर कराइए। तो सबसे पहली चीज़ होती है एल क्यों कराएंगे, बिकॉज इसमें एक स्टैंडिंग और एक स्लीपिंग लाइन है। तो जब आप कराते जाते हो तो आप बच्चे को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाओ कि ये स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन है। एंड फिर सेकेंड आता है एफ़, जिसमें एक स्टैंडिंग और 2 स्लीपिंग लाइन इन्वॉल्व होती है। एंड उसके बाद मैं एक नंबर 2 कराऊंगी और उसके साथ ही हम कुछ राइम्स या कुछ एक्टिविटीज़ जो करने में बच्चे को मज़ा आए वो कराएंगे। इसके लिए आपको कोई भी बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं, बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स की बुक आपके पास होगी हम वही यूज़ कर सकते हैं। L, lemon. ये क्या है? Lemon. L, lighthouse. हाँ, बहुत ठीक है। बोलो क्या है ये? Lighthouse. Very good. L, lock. Lock. This is? हम गोल्ड हाउस में गए थे। हाँ, and this is? Lamp. And this is? या वॉल पे चलती है ना? हाँ। क्या बोलते हैं उसे? रीसेट। हाँ। दिस इज एफ। एफ, फ। एफ का साउंड कैसे होता है? फ। एफ, फ, फिश। दिस इज फिश। एफ, थ्री फिशेस होते हैं। एफ फ फुटबॉल। एफ फ फ्रॉग। फ्रॉग। एफ फ, हाँ ठीक है। एंड दिस इज़ फैन। फैन। और अगर राइटिंग के लिए 4 लाइन्स वाली आप अभी इंट्रोड्यूस मत करो, बिकॉज अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो आप एक वाइट शीट पे ही आप उसे प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप ऑनलाइन एल वर्कशीट्स करके टाइप करोगे गूगल में, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप उसका प्रिंट ले सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक और रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इस तरीके के कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन हिट करें और वहाँ पे ऑल का सिलेक्शन करें जो सबसे ऊपर आता है, ताकि हम जितने भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। जनरली वी अपलोड वीडियोस ऑन थर्सडे एंड सैटरडे अराउंड 11 AM, तो आप ज़रूर चेक किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी दिन बच्चे बिल्कुल भी आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, बट दैट्स ओके, अंडरस्टैंड इट एंड लेट देम डू इट एट देयर ओन पेस। पूरा सर्कल में होना चाहिए, मायरा बाहर नहीं निकालते हैं। अब चलो फाइंड नंबर 2 एंड सर्कल इट। यहाँ पे ना, एक सेकंड, वो करना। यहाँ पे बताओ नंबर 2 कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है? सर्कल करो उसे, गोल बनाओ, राउंड बनाओ उसके, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे यहाँ हमने एक एल फॉर लाइन का क्राफ्ट भी किया था
और ये बहुत ही ईजी क्राफ्ट है, आप कोई भी पेपर से अपने घर में जो भी उसे करा सकते हो और कलर करा सकते हो बच्चे को। ये एक्चुअली मैं शूट नहीं कर पाई थी, और जितनी भी एक्टिविटीज़ आप यहाँ देख रहे हो एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है बच्चे के लिए, बच्चे टायर्ड हो जाएंगे और उनके दिमाग के अंदर कुछ जाएगा नहीं, सो उनका समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप अलॉन्ग पूरे वीक में स्प्रेड कर दो कि आप 20 मिनट 15 से 20 मिनट पूरा टास्क रहो, उससे ज़्यादा टाइम मत दो आप एक दिन बच्चों को। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ट्राई टू डू दिस विथ योर चाइल्ड ऑल्सो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई होप हमारे प्री स्कूल की जर्नी स्मूथली चले। फ्यूचर्स के सारे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन हिट करें और वहाँ पे ऑल का सिलेक्शन करें ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।